आज मिलते हैं फिर एक नया ब्लॉग के साथ। आज 1 जनवरी है तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। हम लोग अभी जा रहे हैं मटन लाने, काफ़ी ठंड था, चलिए मटन लाते हैं फिर। अरे सोनू, हमारा पुलाव रेडी हो रहा है। इधर बीना मैडम ये कर रही है। रुको जरा, सबर करो, मटन बनाने का तैयारी कर रही है। क्या बना रही हो मैडम? मटन स्पाइसी वाला। बहुत ही यम्मी। और इधर क्या तैयारी हो रहा है? क्या बोलते उसको? पुआ। पुआ। मसाला पुआ। ये देखिए गाइस, ये क्या है? ये खाने का। खाने का नहीं है, खेलने का है। ढेका ढेकुआ शादी में खेलते है ना। हाँ भाई, हम लोग खेलने के लिए बना रहे हैं न्यू ईयर में। अभी छत पे जाएंगे और फेंकेंगे। देखो ऐसे खेलते हम लोग। हाय रे रे, मेरा गोला। बताइए आप लोग कमेंट में हम लोग क्या बना रहे हैं। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आई होप आप लोग का पूरा नया साल अच्छे से बीते, सबका, मेरे यूट्यूब फैमिली का। और आप लोग सबको नहाइएगा गाइस, क्योंकि पता है ना, ये बोलती है, दादी लोग बोलती थी कि आज साल के नए दिन में जो करेगा वही हर साल पूरा करते रहेगा। मतलब आज सोएंगे तो दिन भर हर साल सोते रहेंगे, आज नहाएंगे तो हर साल नहाते रहेंगे, ऐसे बोलते हैं सबसे। पता नहीं हमको तो कोई लॉजिक ले ले ले। पकौड़े किस चीज़ के हैं? आप लोग सोच रहे होंगे आलू के हैं, आलू के नहीं हैं, प्याज के भी नहीं हैं। और किस किस चीज़ के होते हैं वो सब पे किसी के नहीं। आप लोग नहीं सोच सकते हैं किस चीज़ के हैं। पत्ता गोभी के पकौड़े आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है हमको तो। मेरा तो फेवरेट बन गया है, मतलब हम लोग सब घर में यही खाते हैं, आलू प्याज वगैरह का नहीं खाते। और ये बनाना है, आधा रखे हैं। फिर बनाए हैं गुलाब जामुन, यम्मी यम्मी से मैं खाऊंगी। बट बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक ब्रश नहीं किया, ब्रश करने के बाद। और पुलाव बनाए हैं बट उसमें अभी खोले नहीं उसको, क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ है और उसमें मटन बन रहा है। और ये पुआ बनाया तो बहुत कुछ है, पर सब कुछ के लिए पैड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बिजी थे गाइस। मतलब कि हाँ, लेकिन अभी सब कुछ बन चुका है, बस पुआ बनाना है। तो मैं फ्री हूँ तो दिखा देते हैं आप लोग को कैसे बनता है पुआ। वैसे दीदी को भी आता नहीं है बट ट्राई करती है। ये है पेस्ट, क्या चीज़, क्या चीज़ का? अदरक लहसुन भिंडी भिंडी प्याज मिर्चा। भिंडी डालना चाहिए, भिंडी या फिर कच्चू भी डाल सकते हैं, उससे फूलता है। स्पंजी चिकन गरम। देखिए हम लोग का मटन कितना मस्त लग रहा है ना, कलर भी बहुत अच्छा है। देखिए हम बनाए हैं रेसिपी, मतलब बता दिखाते कि कैसे बनाए, बट टाइम नहीं था उतना तो नहीं दिखा पाए। तो देख लीजिए जो मेरा बन के रेडी हो गया। देखिए पूरा तेल ऊपर आ गया, मतलब
मसाला पूरा अच्छा तरह से भून गया और पुलाव पुलाव दिखाते हैं। अरे पुलाव इसमें धनिया पत्ता डालना है, फिर इसको मिलाना है, मिलाए नहीं बस अभी खोले हैं। हम लोग नहा धोवा के हो चुके हैं रेडी। अरे ठसने भी लगी पर हम नहीं ढाई बज गया है गाइस, अभी जस्ट नहाने ढाई बज गया। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा अभी तक कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, अभी पूजा की उसके बाद खाने बैठे हैं। तो सोचे कि आप लोग दिखाते हैं कि क्या क्या खा रहे हैं, हम लोग का न्यू ईयर कैसे बीत रहा है दिखाते हैं। ये बनाते हालत खराब। पुलाव लेकिन बहुत टेस्टी है, पुलाव बनाए हैं क्योंकि हर दिन तो चावल खाते ही हैं, तो आज पुलाव अच्छा लग। ये अपना रोटी लेके बैठा हुआ है, हम खाते हैं, हमको बहुत भूख लगा है। ऐसे बोलिएगा तो अच्छा से बोलिए। पापा वीडियो कॉल कीजिए। खा लिया है बाबू, काफी चोट लगा लिया। कहाँ लगे बेटा? बाबू बेड में। दंड है एक नंबर का, बोलते हैं आज के दिन शांत रहा करो बाबू, आज बदमाशी करेगा तो सालों भर बदमाशी करेगा। पता है क्या करता है, ये थी बेड से बक्सा कूदेगा और बक्सा से बेड, कोना में लग गया। हाँ वही तो, कितना बार बोले बाबू ऐसे मत करना, गिर जाएगा लग जाएगा, लेकिन लग ही गया आज। दो बार लगा है इसमें भी, यहाँ पे भी लग गया था। यहाँ पे दिखा बाबू, थोड़ा सा दिखा, रुको ना, कहाँ है तुम बाबा रहे, रहन दो, ऐसे रुको, ऐसे रुको, दिखाओ थोड़ा। क्यूट लगता है तुम, क्यूट है भी, तुमको शैतानी लगता है, नहीं क्या? क्यूट वाला कोई हरकत नहीं है तेरे पास। सब आप लोग सो गए हैं? देखे लगा फिर लगा, बता दे क्या किया, मैं भी तो चली जाए, मैं तो छोड़ी। ये क्या खाना होता है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या नाश्ता? बंगाल का है। तो गाइस आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, कल बहुत थक गए थे तो हम लोग
ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, रात को खाना खाए और सो गए। अभी 2 जनवरी है 2022 का, और देखिए दीदी क्या ठूस रही है, हम तो खा लिए। मत पूछिए, कल पूरा टाइम मेरा बिजी शेड्यूल रहा है। बंगाल का खाना है। अब बंगाल का नहीं ना, फिर बंगाल का खाना क्यों खा रहे हैं? मेरे नानी घर बंगाल है। तो गाइस आप लोग को नहीं, फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, आप सबका साल अच्छा से बीते पूरा साल। आज तो वैसे 2 जनवरी है लेकिन भी विश कर दे रहे हैं, क्योंकि तो कल ब्लॉग नहीं कर पाए थे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार देते रहें गाइस।